श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तच्छञोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सभी को नमस्कार। हमारे वार्षिकोत्सव और उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन उसके स्थापना के 125वां साल जो मना रहे हैं सारे साल उस अंगीभूत ये जो कार्यक्रम है वार्षिकोत्सव पहला दिन है
और आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत कहता हूँ। और मंचस्थित पूज्य स्वामी नरसिम्हान जी महाराज और ये हमारे कैलिकट रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के अध्यक्ष हैं। और मंचस्थित हमारे आज का विशेष अतिथि प्रोफेसर बी एन गोस्वामी और आज का जो वक्ता श्री रामफल शर्मा जी और हमारे मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री आर के साबू जी, मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर, आए हुए सभी भक्तगण, मित्र और सभी को मेरे नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम, ये पिछले दो साल से तो एकदम हमारे वार्षिकोत्सव नहीं हो पाया। पिछले साल हम उसको किए थे, मतलब दो साल उस ऑनलाइन में हुआ था 2020 और 21 में, और 22 में हम किए थे, लेकिन बहुत बड़े जिससे नहीं है, थोड़ा स्केल डाउन इससे हम किए थे। और सचमुच कहना चाहिए तो पेंडेमिक के बाद ये पहले बार ये कार्यक्रम हो रहा है, मतलब वार्षिकोत्सव, और सभी कार्यक्रम चल रहा है अभी नॉर्मल हिसाब से। और इस कार्यक्रम में जैसे मैंने बताया, रामकृष्ण मिशन जो है इसका 125वां साल, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। The seeds for the future Ramakrishna mission were sown by Sri Ramakrishna himself during his last years of early life when he made Narendranath leader of young disciples. He had prepared a band of young disciples who later became monks, sannyasins, and he made Narendranath as leader, and by his own hand he had given them the Gerua clothes, initiating them into sannyasa. So symbolically, in fact, Sri Ramakrishna himself has started this organization, and which was later on, after Sri Ramakrishna's Mahasamadhi in 1886, initially Baranagar, at Baranagar in Calcutta, a mutt was started, Ramakrishna mutt, first mutt. And there these monks, they gathered and did lot of tapasya, and that is how the origin began. And a formal formation of the organization Ramakrishna Mission was it was established by Swami Vivekananda after his triumphant return from the West, from America, in 1897. On 1st May in Calcutta, Balaram Mandir, she called a meeting and formally started the Ramakrishna Mission. And the aims and objectives and other things are so well organized by Swami Vivekananda. In fact, in 1993, when at the UNESCO headquarters, the 100 years of Swami Vivekananda's Chicago speech was being celebrated, Federico Mayer, then the Governor General of UNESCO, he made an important remark. Swami Vivekananda was so farsighted. When we look at the constitution of UNESCO, which was established in 1945, and that of Ramakrishna Mission, which was established by Swami Vivekananda in 1897, there is a similarity, a striking similarity. And he says that both organizations believe in the unity of humanity, and Swami Vivekananda talks about unity of existence, and now serving all without any distinction of caste, culture or nationality, without any boundary. So both organizations believe in these things, and both organizations believe about educating people. So these are certain similarities he was talking, and he told Swami Vivekananda thought about it 50 years before the UNESCO was established. So Ramakrishna Mission, which was started with this, and the aims and objectives, they were very clear and apolitical, nothing to do with the politics, right from beginning Swami Vivekananda had mentioned that, and which was started with just one or two centers. Now Ramakrishna Mission has got 265 centers all over the world,
In 24 countries we have centers. In India, of course, majority of the centers are in India, and in another 23 countries, all together 265 centers. And this year, that was from 1st May 2022, where we completed 125 years. This whole year is being celebrated in different way, different places. And Ramakrishna Mission Ashrama Chandigarh was started in 1956. Ashrama conducts regular puja, discourses inside the ashrama, and also at other places. Ashrama has a library, a reading room, a student's home. Ashrama also conducts a homeopathic dispensary and a mobile medical van to serve the rural population in and around Chandigarh. Today, in this worship also annual celebration, we are going to discuss the life and message of Swami Vivekananda. And president of today's program, and for these 3 days, is Swami Narasimhananji Maharaj. I would like to tell something about him. Swami Narasimhananji is a monk of the Ramakrishna Mutt and Mission, founded by Swami Vivekananda in 1897. Presently, the secretary at Ramakrishna Mission Seva Ashram, Kozhikode. Swamiji, he is a former editor of Prabuddha Bharata, and he has edited books containing Swami Vivekananda's teachings named Vivekananda Reader. So it was published during Swami Vivekananda's 150 years, that was in 2013. And he is specialized in Indian philosophy and religious studies. He is a member of the International Interdisciplinary and Interreligious Research Group on Consciousness Studies under the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, Pontifical University, Rome, Italy. He is an editor and executive council member of HNET, Humanities and Social Sciences Online. He is also a member of the editorial board of the American Academy of Religions, religious online publication in Reading Religion. He gives classes on spirituality management in leading business management colleges. He regularly addresses the youth across India, particularly in education institutions of national importance like IITs, IIMs. He has publications. He has published articles in Hindi, in English, Sanskrit, Malayalam, Bengali, and Tamil languages. We welcome Swamiji for this program. And chief guest of today is Professor Dr. B.N. Goswami. In fact, he does not require an introduction, but still, for the sake of the formalities, we would like to introduce him. Professor Dr. B.N. Goswami, a distinguished art historian, is Professor Emeritus of Art History at Punjab University, just our next block, Chandigarh. Educated entirely in India, he began his professional career by joining the Indian Administrative Service. So just now he was sharing when he was being trained for the IAS, and he in fact heard Swami Ranganathanji Maharaj. He had come to that institute and he had delivered a lecture, and he still remembers that particular listing and his eloquency and the subject that he painted and the impression that on his mind. And his work covers a wide range and is regarded, especially in the area of Indian painting, as having influenced much thinking. He has been the recipient of many honors, including Jawaharlal Nehru Fellowship, the Rydberg Award for Outstanding Research in Art History, Padma Shri in 1998, Padma Bhushan in 2008 from President of India. Professor Goswami has taught as visiting professor in several universities across the world, among them the universities of Pennsylvania, Heidelberg, California, and Texas at Austin, Zurich, and ETH Federal University at Zurich. He has also been responsible for major exhibitions of Indian arts at Paris, San Francisco, Zurich, San Diego, New York, Frankfurt, and New Delhi.
Among his many publications, he has published a lot of books. There is a big list. Some important of them I would like to tell. The Pahari Painting, The Family as the Basis of Style. He specializes in that. This Pahari Painting and all this special interest. So he is in that. And Paintings at the Sikh Court. This also was published by Weisbaden in 1975. And other books, and some of the recent books, they include The Spirit of Indian Painting and A Sacred Journey, Painting of the Kedara Kalpa with Karuna Goswami, published in Zurich and Delhi in 2021, and Conversations, Penguin 2022. We welcome Dr. Goswami for this particular program. And today's speaker is our own Sri Ramphal Sharmaji. He has been our regular devotee at the ashrama, and he completed his MA from Punjab University and MED from Rohtak. And he speciality is that he did his B.Ed. in our Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education there in Mysore. We have a B.Ed. college there. He did his B.Ed. from there. And then onwards, he has been constantly in touch with the ashrama. And presently, he is serving as the headmaster. At just behind us is the Government Senior Secondary School, Sector 15, Chandigarh. And we welcome Ramphal Sharmaji also for this program. I request our Dr. Jindalji to offer flake to Swami Narasimhanji Maharaj. Aiye. Yahan se aiye, koi baat nahi. मैं स्वामी द्वारकेशन जी से अनुरोध करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर बी एन गोस्वामी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और स्वामी गुरुकृपान जी से अनुरोध करता हूँ, रामफल शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर उनके स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्पीकर वक्ता श्री रामफल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, वे अपने मंतव्य हमारे सम्मुख रखें। नमः श्री यति राजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणी। परम आदरणीय स्वामी अनुपमानंद जी महाराज, स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, प्रोफेसर बी एन गोस्वामी जी, स्वामी द्वारकेशानंद जी, उपस्थित अन्य साधुगण एवं भक्तवृंद, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं स्वामी अनुपमानंद जी महाराज का तहे दिल से उनको आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष स्वामी जी के बारे में कुछ विचार रखने का मौका दिया। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद मेरे तो इष्ट है, मेरे आराध्य है, तो उनके विषय में कुछ बोलना तो उससे तो वो तो मेरे लिए एक प्रकार से मेरी भक्ति में बढ़ोतरी ही हुई है। और मैं उस दिन से स्वामी जी का बारंबार ध्यान करता हूँ, तो इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। और जहाँ तक स्वामी जी के विषय में बोलना है, वो मैं इसको ये मानूंगा कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। स्वामी जी खुद कहा करते थे कि आई एम ए वॉइस विदाउट ए फॉर्म।
और वो कहते थे कि एक कोई दूसरा विवेकानंद इस धरती पर आएगा, वही बता पाएगा कि इस विवेकानंद ने क्या किया। तो हम तो मात्र हम उनकी क्या व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस 200 साल के इतिहास में अगर आप जाएं तो बहुत दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं विश्व पटल पर। दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं। वो क्या हैं? एक तो रामकृष्ण देव का आविर्भाव, वो इस धरती पर आए। तो हम ये मानते हैं कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो उसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ है, कलयुग का अंत हुआ है। ये हमारी अपनी जो रामकृष्ण भावधारा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ये मान्यता है। और मैं कभी महाराज जी से, स्वामी अनुपमानंद जी से भी अनुरोध करूँगा कि वे इस पर अपना वक्तव्य कभी दें जब उनको फुर्सत मिले कि कैसे सतयुग का प्रारंभ हुआ है। और दूसरी जो घटना हुई है वो स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में 1893 में जो उन्होंने अपना विशेष एक भाषण दिया था, वो एक लैंडमार्क है अपने आप में। वो क्यों है? क्योंकि उसी दिन से ही भारत का उदय हुआ था, मेरा ये मानना है। और भारत ने विश्व गुरु का प्रथम जो कदम है वो रख दिया था जिस दिन स्वामी जी ने अपना भाषण वहां पर दिया था। वो कोई मात्र कोई भाषण नहीं था, लेक्चर नहीं था, वो विश्व को उन्होंने बता दिया कि भारत क्या है, हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या उपमा क्या बोला जाता था। वो कहते थे ये तो सांप सपेरों का देश है, भूखे नंगे लोग हैं, अनसाइंटिफिक है, अनकल्चर्ड है, कुछ नहीं आता इनको, थोड़ा बहुत धार्मिक ये वो, ऐसी उन्होंने हमारी एक, पश्चिम देशों ने हमारे बारे में एक हमारा चित्रण किया हुआ था। तो जब स्वामी जी ने वहां पर उद्घोष किया तो पहली बार उनको पता लगा, अरे ये तो वो देश है भाई जो हम, उनकी कुत्थाई नहीं थी उनके ज्ञान की। वो तो कहते थे हम तो मूर्ख हैं, वहां मिशनरीज भेज रहे हैं, ये कितना महान व्यक्ति हमारे बीच में है। तो वहां पर स्वामी जी ने जो भारत के बारे में जो अपने गंतव्य अपना रखा, मंतव्य रखा, उससे हमारे भारत का जो है ये बहुत बड़ा उदय हुआ है। और आप आज देख भी रहे हैं कि कैसे जो है समय का चक्कर घूम रहा है। जब विश्व भर में रिसेशन है, हम जो है प्रगति के पथ पर है, हमारी जीडीपी जा रही है आगे। और वो ठीक है कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो टॉर्टाइज और कछुए की और जो खरगोश की जो रेस हुई थी, वो हो सकता है कि वो भाग करके दौड़ के एक छलांग लगा सकता है, लेकिन निरंतर जो है कछुआ जो जा रहा है वो अपने गंतव्य पर जा रहा है। और हम कैसे बढ़ रहे हैं ये देख भी रहे हैं। जिस देश के हम गुलाम थे आज वहाँ पर एक भारत मूल का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये समय का चक्र जो है इसके पीछे मेरा ये मानना है कि स्वामी जी का जो है उनका आशीर्वाद हमारे साथ। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। देखिए, अब जो स्वामी जी ने जो भाषण दिया था उन्होंने कहा, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ये मात्र कोई शब्द नहीं थे। अच्छा, कोई अगर ये अगर मैं जाकर कहूँ या कोई और भी गए तो कोई ताली नहीं बजाएगा, ऐसा कोई क्या था इसके अंदर? वो वास्तविकता में इस बात को महसूस करते थे कि ये मेरे रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। जबकि हम अगर बोलते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, पर स्वामी जी के जब उन्होंने कहा ही एक्चुअली फेल्ट इट, दे आर माई रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ऐसी बहुत सारी और भी उनके जो है, एक बार वो बोल रहे थे, उनके सीरीज ऑफ लेक्चर्स थे, तो जो लेक्चर आज उन्होंने ख़त्म किया उसको ही उन्होंने स्टार्ट करना था अगले दिन। अब वो तो बहुत ही उनकी जो उनकी भाषण शैली थी तो उनका ओजस्वी वक्ता थे वो। तो अगले दिन लोगों ने बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया कि भाई ये तो आज कुछ जो इन्होंने विषय उठाया है इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, तो लोग पहले ही आकर बैठ गए और ताकि सीट मिल जाए तो पीछे ना बैठना पड़े। तो ऐसे ही जो है जो स्वामी जी आए और स्वामी ने सारी ऑडियंस को जब देखा, उनकी एक विशेषता थी वो पहले एक बार निहारते थे सब, तो जब उन्होंने निहारा सारे जो देखा उन्होंने ऑडियंस को, अपना भाषण प्रारंभ किया
और उसको जो है बीच में ही समाप्त कर दिया, उसको अंत में, विषय को अंत में बिना ले जाए ही जो है उसको खत्म कर दिया। एंड द पीपल वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम हिम। तो किसी को थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई, तो किसी ने कहा महाराज स्वामी जी आज ये आपने क्या किया, हम तो आज बहुत कुछ सोच के आए थे कि आज आप इस विषय को बहुत आगे तक बढ़ाओगे, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, पर कुछ ऐसा नहीं सुनने को मिला। स्वामी जी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो ये बात। तो मैं जब यहां पर आया, मैंने जब सब ऑडियंस को देखा, तो मुझे ये लगा अगर आज मैंने अपनी बात कह दी तो ये सारे मेरे जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को ब्लाइंड फॉलोअर्स बनाऊं। मैं अपनी विचार थोपने के लिए नहीं आया। देखिए विदेश में, अमेरिका में जाकर के स्वामी जी ही रियली फेल्ट इट, दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो बोला मैं अगर आज आप ये विचार थोप देता तो आज सब तुम मेरे जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते। इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ आइडियाज इज द वर्स्ट थिंग विच ए पर्सन कैन डू टू द अदर्स। अपनी बात को थोप देना ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है किसी व्यक्ति के लिए। तो ऐसे महान उनकी सोच थी। आज हम देखते हैं जो लोग चेले बनाने में लगे हुए, लेकिन नहीं, स्वामी जी का ऐसा नहीं था। मत ऐसे बताते हैं कि जब वो बोलते थे तो लोगों को उनमें क्राइस्ट के दर्शन होते थे, किसी को उनमें राम दिखाई देते थे और किसी को उनमें कृष्ण दिखाई देते। ऐसे ओजस्वी वो थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप सब जानते ही हैं वो तो सप्तऋषि यहाँ इस धरती पर आए थे। ऐसे एक बार और वो भाषण दे रहे थे तो उनकी इतनी प्रेज हुई, इतनी लोगों ने गड़गड़ा तालियां बजाई खड़े होकर के। तो एक उनकी जो महिला भक्त थी, शिष्या थी, तो उसके मन में एक प्रश्न आया, अगर आज ये स्वामी जी इस बात को डाइजेस्ट कर गए, इतनी प्रेज इतनी प्रशंसा को अगर ये आज हजम कर गए तो आई विल कंसिडर हिम ए गॉड। वो अपने मन में ये सोच रही थी कि ऐसी इतनी प्रशंसा कोई आदमी नहीं हजम नहीं कर सकता है। आप देखते हैं कि क्रिटिसिज्म और प्रेज जो है वो दोनों ही एक रूप हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, और जितना क्रिटिसिज्म से हानि नहीं होता जितनी प्रेज से हानि हो जाती है व्यक्ति की। तो उसको हजम करना, तो वो सोच रही थी ये मन में। और जब वो भाषण देकर जा रहे थे स्वामी जी, तो स्वामी जी ने उसी महिला को बुलाया, कम हियर, और ऐसे इतनी भीड़ में बोले, अच्छा देखो सुनो, तुमने मेरे से एक बार एक प्रश्न किया था ना कई दिन पहले, आज मैंने को उसका एकदम चलते चलते याद आ गया। नाउ गेस, आप अंदाजा लगाइए कि इतनी भीड़ में एक महिला को बुलाकर कहते हैं कि भाई मुझे वो तुम्हारी बात याद आ गई, उसका मुझे हल निकल गया, मैं अभी सोच रहा था जाते जाते, अभी भाषण देखे उतरे ही हैं, कि अनभिज्ञ हैं, मैंने क्या बोला है, क्या मेरी प्रेज हुई है। ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। तो ऐसे महान वक्ता थे, ऐसे महान संत थे वो। मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर इस आश्रम से जुड़ा। हम यहाँ पर दो स्टूडेंट्स आया करते थे कॉलेज में पढ़ने, जब हम यहाँ पर आए तो एक मेरे मित्र थे, वो आजकल स्वामी निर्विकारानंद जी हैं, इंदौर में सेक्रेटरी हैं, हम दोनों क्लासमेट हुआ करते थे यहाँ पर आए, गांव से आए थे। तो मैं कैसे जुड़ा है आश्रम से, मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा था आपसे। मेरे एक मित्र ने मुझे एक स्वामी जी की तस्वीर दी, छोटी सी तस्वीर, ABVP की उस पर साइन था, तो उस पर लिखा हुआ था कि दिस इज द टाइम यू पोजेस द एनर्जी ऑफ यूथ, नॉट व्हेन यू आर वॉर्न आउट एंड जेडेड, बट इन द फ्रेशनेस ऑफ एंड वीगर ऑफ यूथ। तो वो लिखी हुई थी, मुझे उस स्वामी जी का चित्र ही बहुत अच्छा लगा, वो कोटेशन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको अपनी टेबल पर रख लिया जहाँ मैं गांव में रहता था, तो आते जाते पढ़ता था। तो उसका भाव क्या था कि ये नवयुवक को तुम्हारे अंदर जो है यही समय है कुछ कर गुजरने का, अन्यथा तो बुढ़ापे में जो है फिर तो आपसे कुछ नहीं होगा जब शरीर को जंग लग जाएगा। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि उस तस्वीर ने ही जो है मुझे स्वामी इस मिशन से जोड़ा, क्योंकि स्वामी जी की तस्वीर वो जीवंत जागृत सत्ता है। मैं तो ये कहता हूँ जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं,
वो अपने बच्चों की टेबल पे जरूर एक स्वामी जी का छोटा सा चित्र रख दें या कहीं दीवार पे उसको लगा दें, तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन विल कम बाय द लॉ ऑफ नेचर। स्वामी जी जो है वो स्वयं बैठे हुए हैं, वो अपनी तस्वीर में खाली नहीं है, उसमें वो जीवंत है बैठे हुए। फिर मुझे एक राजयोग की पुस्तक उसी मित्र ने दी, तो बड़ा बढ़ के लगा कि भाई इनके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए, ये तो कोई महान संत हैं। तो आश्रम में यहाँ आए हॉस्टल के लिए, यहाँ पर स्वामी कीर्तिदानंद जी हुआ करते थे, तो उनसे जुड़े, तो आश्रम में आना जाना हुआ। तो इस प्रकार से जो है मेरा ये, मैं इस आश्रम से जुड़ा। फिर जाना हुआ रिम से, जिसको हम बोलते हैं रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान मैसूर में है, वहाँ पर हम गए, वहाँ से बीएड किया। एक चीज़ वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट सीखने को मिली कि नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, तो उसमें वहाँ हमें ये पता लगा कि बगैर नैतिकता के हम आध्यात्मिक कभी नहीं बन सकते, हमें नैतिकता का मार्ग अपनाना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए, उसके लिए हमें रोज़मर्रा के अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो ये एक बात वहाँ पर हमें सीखने को मिली कि नैतिकता के द्वारा ही हम जो है हमारे मन का शुद्धिकरण हो सकता है और हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। और इसका विपरीत भी मुझे फिर एक चीज़ और सीखने को मिली कि बगैर आध्यात्मिक हुए भी आप नैतिक नहीं हो सकते। देखिए आध्यात्मिकता क्या है, कि जो आपको ईश्वर जो है वो हर नर में दिखाई दे। स्वामी जी कहा करते थे कि अगर आपको भगवान सिर्फ मंदिर में ही दिखाई देता है तो आपकी जो है अभी वो जो साधना है वो प्राथमिक है, वो अभी उसमें अभी बहुत आगे जरूर जाइए। वो कहते थे ये जब तक आपको बाहर बैठा गरीब दरिद्र में अगर भगवान नहीं दिखाई देता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और उनके गुरु ने ही उनको ज्ञान दिया था, गुरु ने ही उनको बताया था, जब ये कहा कि भाई शिव ज्ञान से जीव की सेवा करो और जिसकी आप मदद करते हो उसको धन्यवाद नहीं करना है, आपको उसका धन्यवाद करना है। तो जब उनके गुरु से ये ज्ञान उनको मिला तो खुशी से उछल पड़े और उन्होंने कहा आज मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली है और अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं इसका प्रसार और प्रचार करूँगा। तो ऐसे स्वामी जी थे हमारे। उनकी वो कहा करते थे कि अपने आप को कमज़ोर समझना, दीनहीन समझना, असहाय समझना, ये मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी भूल है। और वो कहते थे तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तो अपने आप को कमजोर कैसे समझ सकते हो। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति न मारुता। ये उनका बहुत जो है प्रमुख एक गीता से वो इस श्लोक को कहा करते थे कि भाई तुम अपने आप को भेड़ समझते हो, अरे तुम तो सिंह हो। और कहते थे अगर आप सिंह मनो सोचोगे तो सिंह बन जाओगे, भेड़ सोचोगे तो भेड़ बन जाओगे। जैसे आप अपने भाव आरोपित करोगे अपने आप पर ऐसे ही बनते चले जाओगे, जैसे सेल्फ सजेशन आप देते जाओगे वैसे ही आप बनते चले जाओगे। श्रीवंतु दिव्यानी अमृतस्य पुत्रा, वो कहते थे तुम तो इस अमृत के वो अमृत आपने धारण किया हुआ है। और कहते थे प्रकृति भी जो है वो कमजोर को नष्ट करती है, प्रकृति भी जो है कमजोर व्यक्ति को नष्ट करने पर लगी हुई है, वो उसका साथ नहीं देगी। वो कहते एक बाघ को कभी कभी बलि दिया जाता है, एक घोड़े को हाथी को कभी बलि दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता, एक बेचारे बकरे को बलि दिया जाता है। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये बात स्वामी जी के हर उनके जो है हर लेक्चर में आपको मिलेगी और पुस्तक के हर पृष्ठ पे आपको ये बातें जो है ये डोज मिलती है। तो मैंने सोचा स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, बार बार यही बात वो रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ बात ख़त्म करनी है ये बात कि तुम जो है अमर अजर अविनाशी हो। तो मुझे फिर ये बात इसका एहसास हुआ कि उन्होंने भारत का भ्रमण किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक, और देखा क्या, वो गरीब के घर में गए, अमीर राजाओं के घर में गए, उन्होंने देखा कि अभी तक ये लोग जो है सोए हुए हैं, मृत प्राय हैं, इनमें प्राण फूकने हैं, इनको सबसे पहले तो इनको जगाना है,
अरे बाद की बात है, आध्यात्मिकता और वो तो सारी बातें बाद की हैं, पहले इनको खड़ा करना है। तो ये चीज उन्होंने बारंबार नोट की, तभी उन्होंने जो है ये कहा कि खड़े हो जाओ और स्वयं जो है अपने निर्माता बनो। एक कहानी के माध्यम से, बहुत उनकी जो है ये बड़ी प्रचलित कहानी है, हर जगह इसको मेरे को सुनने को मिलती है जब भी स्वामी जी के बारे में। वो शेरनी गर्भवती थी और तलाश में थी अपने शिकार के, तो उसने देखा जो भेड़ों का झुंड है, तो उसने छलांग मारी, परंतु उसका चट्टान से सिर टकरा गया तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दौरान प्रसव में उसने उस शावक को जन्म दे दिया और वो उसके साथ, वो जो भेड़ का बच्चा जो है न, वो जो सिंह का बच्चा था वो भेड़ों के साथ मिल गया और उनके साथ विचरण करने लगा और उसी प्रकार मैं करने लगा, घास खाने लगा। तो हम क्या है, जैसी हमारी संगति होती है उसी प्रकार का हम आचरण करना शुरू कर देते हैं। ये बात स्वामी जी कह रहे हैं इसके माध्यम से। तो वो भी तो गडरिया उसको ले जाता, रोजाना जंगल में जाता, घर चली जाती। एक दिन असली शेर आ गया जो उसने देखा, अरे ये क्या भाई, एक जो है ये शेर इनके बीच में क्या कर रहा है, हमारी ये तो मेरी प्रजाति का है और ये इस पे तो हमारे को तो बट्टा लग जाएगा, ये हमारा तो इसमें जो है, हमारा तो जो हम शेर हैं वो सारी हमारी उपमा ही खत्म हो जाएगी। तो उसके पास गया, भाई तू क्या कर रहा है जेंटलमैन, तू तो शेर है। बोलता नहीं नहीं कौन कहता है मैं शेर हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। ऐसा ही हम करते हैं जब हमें कोई बात बताता है तो पहली बार हमें यही एहसास होता है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं तू शेर है। वो लेके गया, उसकी छवि दिखाई तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वाकई में मैं तो शेर हूँ। वो दहाड़ा तो वो सारी भेड़ भाग गई। ऐसा ही हमारे साथ होता है। स्वामी जी कहते हैं कि हम हैं तो शेर, परंतु हमने अपने आप को आरोपित किया हुआ है कि हम तो जो है इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में ही हैं, जो इसी से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। स्वामी जी हमें बार बार जगाते हैं और विचारों को, जैसे विचार हम अपने ऊपर आरोपित करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है स्वामी जी ने जो ये बताया है। वो एक छोटी सी मुझे कोई कहानी बात याद आ गई। एक कुम्हार जो है वो बर्तन बना रहा था, तो चिलम बना रहा था। वो चिलम से, जैसे आप पता है कि उससे तंबाकू का सेवन किया जाता है, नशे का सेवन किया जाता है, तो वो चिलम बना रहा था। बनाते बनाते थोड़ी मिट्टी का और उसने लेप किया और वो सुराही का आकार उसने ग्रहण कर लिया, सुराही जिसमें पानी हम शीतल जल पीते हैं। तो उसने उससे प्रश्न किया चिलम ने, अरे कुम्हार ये क्या कर दिया तूने, तूने तो मेरा स्वरूप ही बदल दिया, मेरा सारा आकार ही बदल दिया। तो कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया, विचार बदल गया मेरा। तो उसने कहा तेरा तो विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया, मेरा तो सारा कुछ ही बदल गया। तो ऐसा जो है ये विचारों का, जैसे पॉजिटिव रचनात्मक अगर हम सोच अपने बारे में रखेंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देखिए जापान में, जापान स्वामी जी कहा करते थे कि हर युवक को जापान में जाना चाहिए, हर युवक को जापान जरूर जाके आना चाहिए, इतना डिसिप्लिन देश है। तो वो क्यों आगे बढ़ गए इतने, वो वहाँ के बच्चों को बचपन से क्या सिखाया जाता है कि तुम महान देश के नागरिक हो, तुम्हारे पूर्वज महान थे, तुम्हारे दादा परदादा और भी महान थे। और वो कैसे सिखाते हैं अपने बच्चों को, आपको पता है जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, सबसे पहले निकलता है। तो देखो तुम्हारा प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रही है कि सबसे पहले जो है ये सूर्य तुम्हारे देश में उदय होता है। ऐसा सोचते सोचते जो है बच्चा बड़ा होता है और वो नागरिक बन जाता है, सिटीजन बन जाता है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस प्रकार की बातें हमारे को सीखने को मिलती हैं, तुम्हारे तो मूर्ख थे, तुम्हारे माता पिता मूर्ख हैं, तुम्हारे दादा परदादा महामूर्ख हैं, तुम्हारे टीचर्स को कुछ नहीं आता है, तो आडंबरों से तुम घिरे हुए हो। ऐसी जो है नेगेटिव बातें सीखते सीखते बच्चा जो है वो वही बन जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं इसको बदलना होगा, इस भावधारा को बदलना होगा। तो ये हम जो देख रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं कि आपका कोई आदर्श होना चाहिए जीवन में, बगैर आदर्श के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आप आदर्श है आपके जीवन में तो 50 गलतियां करेंगे, और अगर आदर्श नहीं है तो 1000 गलतियां करेंगे।
क्योंकि वहीं से सोच निकलती है, वहीं से विचार निकलता है। स्वामी जगदात्मानंद जी की एक पुस्तक है जीना सीखो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति विराजमान है। मैंने वो पढ़ी है पुस्तक, वहाँ उसका विमोचन भी हुआ था। तो उसमें जो है वो यही बात बता रहे हैं कि एक चेतन मन है, एक अचेतन मन है। अब अचेतन मन में जो है वो सारा कुछ वहाँ पर ढका ढकाया रहता है, वो सारा विचार जो है उसमें एम्बेडेड रहते हैं। और चेतन मन पे जिस अवस्था में हम आज बैठे हुए हैं, तो एक सम्मोहन प्रक्रिया जो है वो होती है। उस सम्मोहन के द्वारा आदमी से कुछ भी कराया जा सकता है, आपको पता ही है हिप्नोटिज्म। तो वो सेलिगमैन, डॉक्टर सेलिगमैन ने अपने प्रयोग किए, और उसमें उन्होंने क्या किया, उसके अचेतन मन पर जब प्रहार किया व्यक्ति के, वो एक वेट लिफ्टर था। तो बस एक बात कहकर मैं अपनी समाप्त करूंगा कि वो वेट लिफ्टर था जो 200 किलो का वजन उससे उठा सकता था, लेकिन उससे पेंसिल नहीं उठी, क्योंकि उसके मन पे वो प्रहार किया गया। तो ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से वो बलिष्ठ था, परंतु मानसिक रूप से कमजोर हो गया। वे तो था उसका जो है नकारात्मक। सकारात्मक क्या था कि एक को कहा, भाई तुम मैथ का सवाल हल कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तो उसने वो जो घंटों का काम था वो 20 मिनट में कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार जैसे अचेतन मन का चेतन मन पर प्रभाव पड़ता है, तो इसी प्रकार से जो हम सोचते हैं हम बनते चले जाते हैं। और अंतिम बात कह करके अपनी समाप्त करूंगा, ठाकुर जी भी यही बात कहते हैं। वो चार मित्रों ने एक बनाया प्लान, और एक को बोला एक भी इसको मूर्ख बनाएंगे, एक को बोला एक रास्ते पे जाते रहे, तू तो लगता बीमार है। तो बोला नहीं मैं तो ठीक हूं। दूसरा दूसरे मोड़ पे खड़ा हो गया, उसने भी कहा लगता तू तो बीमार है। ऐसे तीसरा आ रहा, ऐसे ही चौथा। तो जब वो शाम को उसके घर गए तो देखा वो वास्तविकता में बीमार था, उसको बुखार हो गया, ज्वर हो गया। तो क्यों? क्योंकि हम जैसे सोच अपने बारे में उसने बनाई, वैसा ही हम होते चले जाते हैं। तो मैं दोबारा जो है अनुपमानंद जी महाराज का तहे दिल से उनको जो है उनसे नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत कुछ कहने को था, पर अब समय की मांग है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामफल जी। उन्होंने अपने प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात कही कि वो प्रवचन तैयार कर रहे थे तब वो स्वामी जी का ध्यान कर रहे थे। ये दूसरे को फ़ायदा हो या ना हो, उनको ज़्यादा फायदा हुआ। वो उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट उन्होंने कहा है, और शिकागो में शिष्टर बद्र समरिका उसका भी उन्होंने जो कारण बताया वो भी बहुत सुंदर है। और सतयुग की बात कही कि ठाकुर ने जब अवतार धारण किया तो सतयुग स्टार्ट हो गया, वो भी कहा उन्होंने। और भारत विश्वगुरु बनेगा, उसमें भी उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा किया। और दूसरी एक बात थी कि अपने विचार को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, ये भी एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। और निराभिनय होना वो भी। और दूसरा उन्होंने अपने जीवन की घटना से कहा कि एक स्वामी विवेकानंद की सिर्फ एक फोटो से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, वो रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े और आज यहाँ खड़ा रहकर प्रवचन दे रहे हैं सिर्फ स्वामी विवेकानंद की फोटो से, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और दूसरा कहा कि नैतिकता के द्वारा ही आध्यात्मिकता हासिल की जा सकती है, और आध्यात्मिकता के लिए नैतिकता जरूरी है, ये भी बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और आखिरी में जो रामकृष्ण मिशन का मोटो है शिव ज्ञान से जीव सेवा, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे सामने इतने सारे पॉइंट रखे, वो पॉइंट हमारे जीवन में काम मिला है, इसलिए उनका बहुत आभारी हूँ। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर श्री बीएन गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। हम बहुत छोटे लोग बहुत बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में रामफल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं कोई नई बात नहीं कह सकता हूँ।
आप सब ने उनके बारे में पढ़ा है, सब जानते हैं। अगर और कुछ नहीं जानते तो ये जानते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कैसे शुरू किया था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जैसे हम शुरू करते हैं भाइयों बहनों, वैसे मुझे नामों में बड़ा इंटरेस्ट है। विवेक आनंद, विवेक किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन हमारे मिथ है कि हंस एक परिंदा है, उसके आगे अगर आप दूध और पानी मिला के रख दें तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये विवेक है, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना, ये विवेक। स्वामी रामकृष्ण परिव्राजक थे, परमहंस, हंस वही बात आती है। विवेक उनमें इतना था कि यकीन नहीं होता है कि किस तरह एक आदमी, चलता फिरता आदमी, जमीन पे चलने वाला आदमी, इतनी बुद्धि, इतनी विशाल सोच रखता। तो इन नामों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मैं आर्ट हिस्टोरियन हूँ, थोड़ा बहुत आर्ट के बारे में जानता हूँ। एक स्कल्पचर मेरे दिमाग में इस वक्त घूम रहा है, वो स्कल्पचर यहाँ हमारे देश में नहीं है, वो कैंसस स्टेट में अमेरिका में है। इतना बड़ा है, ब्रास का बना हुआ है और ऐसे है जैसे एक पेड़ है, पेड़ ऐसे ब्रांचेस सब एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ऐसे, और उसके बीच में एक सेंटर में बिल्कुल ब्रांचेस के अंदर एक बिल्कुल सर्कुलर थिंग है, जैसे कि चक्र होता है। जब आप पेड़ के अंदर चक्र देखते हैं तो क्या ध्यान में आता है? वैष्णव, विष्णु भगवान का शायद चक्र है, उसके साथ एक छोटा सा नाग है। अब नाग है तो फिर एकदम ध्यान आता है कि शेष होंगे, वासुकी होंगे, ऐसा कर। फिर जब उसके पेड़ के तने के साथ आते हैं हम लोग तो एक दो मंकीज हैं, और लेकिन उन्होंने मुकुट पहन रखे। अगर वो मंकी हैं, अगर वो ऐसे कपी जिनको कहते हैं, तो एकदम ध्यान में आता है कि शायद ये कोई रामायण की तरफ इशारा है। जब उसके नीचे आते हैं तो पेड़ के दोनों साइडों पे एक गाय खड़ी है। अब जब गाय खड़ी है ऊपर की तरफ देख रही हैं तो कृष्ण भगवान का नाम याद आता है। तो क्या है, क्या बनाया है चित्रकार उस स्कल्प्टर ने? लेकिन जब बहुत ध्यान से देखें तो वही जो जहाँ पेड़ की शाखाएं ख़त्म होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, तो वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हैं, हंस सारे के सारे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा, कम से कम 20 हंस वहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल किनारे। क्या उसके दिमाग में आया होगा जिसने बनाया है ये जो स्कल्पचर जो है? जब पब्लिश हुआ था पहली मरतबे, बहुत बड़ी विदुषी थी स्टेला क्रामरिश, उस उसको टाइटल दिया था द ट्री ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। अब पेंटर ने, स्कल्पचर ने तो कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने अपने हिसाब से सोच के कहा कि ट्री ऑफ लाइफ एंड नॉलेज है। तो क्या है वो हंस क्यों बैठे हैं, क्या उसके मन में होगा? तो ये हंस के योगिक प्रक्रिया की तरफ इशारा है। हंस ब्रथ ज़्यादा है, ब्रथ आती है तो ये एक चक्कर होता है, उसकी बात हो रही है, या कि ये विवेक की बात है? मैं समझता हूँ कि उस स्कल्प्टर के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी
कि ये चाहे वो विष्णु भगवान का चक्र है, चाहे व्यासपी हैं, चाहे शेष हैं, चाहे अंगद हैं, हनुमान हैं, चाहे गाय हैं, ऐसा करके इन सबको छोड़ दीजिए। ये है एक सर्कल है, उसके अंदर हम रह रहे हैं। अगर उसको हम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं उसका मतलब, तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर स्कल्पचर है, मेरे पास इस वक्त नहीं है, कभी इत्तेफाक होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा या मैं स्वामी जी को भेज दूंगा। ऐसा है जो मैं जब स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनता हूँ, करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। स्वामी जी की जो अर्ली लाइफ है, जैसे ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, खिलंदड़े थे, झगड़े भी करते थे, पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे, ऐसा करके, तो क्या हुआ, कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वो उसमें जब साथ में बैठे, एक बार मिले, दो बार मिले, तीन बार मिले, क्या मौका था, क्या हुआ होगा जिसमें वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए। द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द फैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट ग्रेटली इंटरेस्ट। हमारे नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर एक बहुत बड़े विद्वान थे, शिवराम मूर्ति, बहुत साल पहले की बात है। तो शिवराम मूर्ति जी ने मुझे एक बात बनाई जो बताई जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहीं पे आता है जिक्र कि भगवान के साथ जो डेवोटी है, जो साधक है, उसका रिश्ता कैसे होता है, रिश्ते में क्या है। तो उन्होंने कहा तीन न्याय, न्याय न्याय हम समझते हैं इंसाफ, वो तो खैर ढूंढने की चीज़ है, कहीं मिलता तो है नहीं, लेकिन इंसाफ नहीं, न्याय का मतलब लॉजिक है, लॉजिक भी है। क्या रिश्ता, एक न्याय है मरकट न्याय, मरकट बंदर को कहते हैं, कि बंदर का बच्चा जब होता है तो वो अपनी हिम्मत से माँ को चिपके रहता है, और जो साधक है, जो डेवोटी है, वो अगर भगवान को, जो जिनकी जिनके ऊपर उसकी श्रद्धा है, इष्ट जो इनके हैं, तो अपने उनको छोड़ता नहीं है, मैं पकड़ के रखूँगा। अब बंदर का बच्चा जो है वो इस तरह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मेरी माँ कभी धोखा नहीं देगी, यहाँ से वहाँ तक छलांग लगाएगी, लेकिन मैं इसको पकड़े रखूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये मरकट न्याय। दूसरा न्याय वो कह रहे थे कि है मारजार न्याय। मारजार बिल्ली को कहते हैं। बिल्ली का बच्चा जब छोटा होता है तो आंखें बंद करके बैठा है, और उसको यकीन है कि वो बिल्ली मेरी माँ आएगी, जहाँ मुझे ले जाएगी मैं चला जाऊँ, कोई अपनी एफर्ट नहीं कर रहा, छोड़ दिया भगवान के ऊपर कि जब बिल्कुल ठीक है, जहाँ वो ले जाएगा तो ले जाएगा। तीसरा न्याय जो मुझे उन्होंने बताया वो बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, उसको कीट भृंग न्याय कहते हैं। कीट भृंग न्याय, कीट कीड़ा, भृंग जैसे बटरफ्लाई या कोई ऐसा होता है। वो कहते हैं कि कीट जो है वो अपने आसपास उसका पूपा, जिसको कहते हैं हम लोग, हैं घर है उसका, उसके अंदर बैठा है, ध्यान लगा रहा है, कब निकलूंगा मैं इससे, फैसला कर रहा है, विल आई बी मैच्योर इनफ टू गेट आउट, होगा या नहीं होगा। वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, ध्यान में मग्न रहता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो उसको खोल करके बटरफ्लाई की तरह बाहर निकलता है। ये कीट भृंग न्याय, अपने अंदर एक मनन करना, अपने अंदर एक सोचना, अपने अंदर एक मौका देखना कि मैं अब तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि सारे हालात में नरेंद्र जो विवेकानंद बने, वो इधर भटकते थे, उधर भटकते थे, ये करते थे, वो करते थे, एक मौका आया,
कीट की तरह जब वो भृंग बने, कैसे हुआ वो हमें नहीं पता। कोई कहते हैं इस मौके पे हुआ, कोई लिखता है कि इस मौके पे हुआ, लेकिन दैट इज अ मिस्ट्री। इट्स वन ऑफ द मिस्टीरियम मैग्नम, द ग्रेट मिस्ट्री, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब किसी इस तरह के बड़े आदमी से, बड़ी हस्ती से, बड़ी आत्मा से भेंट होती है तो पर्दा उठता है, पर्दा उठता है। कौन जाने कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा डाला है कुछ ऐसा कि उठाए न बने। ये जलवागरी जो है, ये सारी दुनिया जो हम देख रहे हैं, कौन जाने, तो उसने ऊपर वाले ने एक पर्दा डाल रखा है कि उठाए न बने। वो पर्दा उठाना किसका काम है, वो गुरु का काम है, वो उसका काम है जो कि जानता है सब कुछ और पहचानता है कि ये शख्स जो है, ये जब मैं पर्दा उठाऊंगा तो इसको सब दिखेगा। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। मैं आपको मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुनाता हूँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। मोती कैसे बनता, कैसे बनता है मोती? एक रेत का जर्रा, एक कतरा पानी का, एक सीप। समंदर में है, समंदर में पानी अथाह है, बेअंत पानी है। एक कतरे की किस्मत है, ये एक कतरे की हिम्मत है कि वो मोती बने। मिर्जा ने कहा है, दाम हर मौज में है, कतरे सदका में निहंग, कौन जाने क्या गुजरी है कतरे पे गुहर होने तक। अंदाजा लगाइए, दाम हर मौज में है, हर एक वेव में एक ट्रैप है, एक जाल है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। हर मौज में, पानी की मौज में, दाम हर मौज में है, हल्का ए सदका में निहंग। जैसे अब जो होता है क्या कहते हैं, एलिगेटर, उसके हजारों दांत हैं, वो पकड़ने को तैयार है उसको। हल्का है सदकाम, उसके 100 मुंह हैं, 100 दांत हैं, वो करता है, सब कुछ रोक हो सकती है। तो इसलिए हमें पता नहीं है, कौन जाने, कौन जाने क्या गुजरी है कतरे पे गुहर होने तक। किस किस इम्तिहान से, मेंटल इम्तिहान से निकलना पड़ता है, किस किस खतरे को सामना करना पड़ता है, किस तरीके से एक कतरा रेत का, एक जर्रा और एक सीप मिलकर के मोती बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, बात यह कैसे बदलता है, क्या बदलाव कैसे आता है। इसमें कीट भृंग न्याय की बात है, क्या बात है, पर्दा डाला है कुछ ऐसा कि उठाए न बने। तो हम बहुत छोटे लोग, यैपिंग एट द हील्स ऑफ ग्रेट मैन, सोचते हैं कि हमें कुछ समझ आ जाएगा शायद, उनकी लाइफ पढ़ करके, उनके करियर को, चरित्र को देख करके, इंसान किस्मत है आपकी, मेरी, इनकी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ कहना, सूरज को, जैसे रामफल जी ने कहा, सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन सोचने की बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये जो बदलाव है, किस तरह आता, कैसे आया उनकी ज़िंदगी में, हमें कुछ सीखने को मिल सकता है उससे या नहीं मिल सकता।
छोटा मुंह है मेरा, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस मौके पर अपने आप को सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ। सोचिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बातें कही हैं रामफल जी ने, उन्होंने क्या देश को संदेश दिया ऐसे करके, सब ठीक है, विश्व गुरु बने या ना बने कौन जाने, लेकिन एक लाइफ और दूसरी लाइफ किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह स्पार्क पैदा होता है, और वो जो स्पार्क है एक फ्लेम, एक कन्फ्लेग्रेशन बन जाता है, ये सवाल आपने मुझे बुलाया उनके पास। बहुत बहुत आभार उनका, प्रोफेसर साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। विवेकानंद, विवेक जहाँ है जिस नाम में, उसकी उन्होंने बात की। और हंस का जो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, दूध और पानी जो अलग कर देते हैं, उसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और उन्होंने जो पेड़ का जो जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इस हिसाब से उन्होंने पहले चक्र, नाग, बंदर, गाय, पक्षी, इस सब का उन्होंने उदाहरण करके एक सिंबल था, वो भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोग को समझाया, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ा उनका जो इस लेक्चर का जो पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कैसे बदलाव लाना है उनके ऊपर, बहुत अच्छा उन्होंने तीन जो न्याय कहे, एक का उदाहरण दिया था बंदर, बिल्ली और कीट, ये तीनों जो है कैसे वो शरणागति, बंदर, कीट, कैसे वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और एकदम बहुत अच्छा पॉइंट था, बोले पर्दा गिरा हुआ है हमारे आपके के सामने, माया का जो पर्दा गिरा हुआ है वो श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देव, विवेकानंद जी कहते हैं, उस पर्दे को उठाना है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा है वो पर्दे से ढकी हुई है, बस एक पर्दा उठाएंगे तो हम समझ पाएंगे हम कौन हैं, हमारे भीतर में जो राम कृष्ण देव बैठे हैं उसका अनुभव कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा, और वो कार्य कौन करेगा, बोले गुरु, गुरु वो कार्य करते हैं। वो उन्होंने बहुत, जैसे हम लोग ने सभी ने मंत्र दीक्षा ली है, गुरु के सानिध्य पाप किए हैं, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा। और मोती की बात कही, एक ठाकुर भी कहते थे कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को लेके अब चुपचाप बैठे रहो, पूरी जीवन उसके ऊपर ध्यान करो, जाप करो, तो मोती हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और सोचने की आवश्यकता है, उन्होंने लास्ट में जो कहा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम सभी को सोचना पड़ेगा, हम क्यों आए हैं, क्या करना है, मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी सुंदर बातें आज उनके मुख से सुनने को मिली, और हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारे आज साथ उपस्थित हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कालीकट से जो सेक्रेटरी महाराज आए हैं, श्रीमद् स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, और उनको विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यं तस्मिन् समाधत्त इहस्म लीलया विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तं योसो विवेकी तमहं नमामि। मंचासीन पूजनीय स्वामी अनुपमानंद जी को मेरा प्रणाम, पूज्य स्वामी द्वारकेशानंद जी को मेरा प्रणाम, यहाँ उपस्थित स्वामी गुरु कृपानंद जी को मेरा नमस्कार, मंचासीन विशिष्ट व्यक्तियों को और यहाँ जो उपस्थित भक्तगण, श्रोतागण, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। विशेष रूप से अगर पिछले दशक की बात लें, जब से सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष गांठ मनाई जा रही हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जो स्मरणीय वक्तव्य रखा,
शिकागो में, उसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई और अभी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 125वीं वर्षगांठ, इन सब उपलक्ष्यों में स्वामी विवेकानंद पर और अधिक गौर डाला जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, स्वामी विवेकानंद ने वो कहा, यहाँ तक कि आज हम इस समस्या में हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये वास्तव में कहा कि नहीं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। जो तकनीकी प्रगति हुई है उसके साथ बहुत सारी अनहोनियाँ भी हुई हैं और उसमें सबसे पहला ये है कि हम जब इंटरनेट में जाकर गूगलाय नमः मंत्र पढ़ते हैं ना, तब बहुत गलत तथ्य भी उभर कर आते हैं। जैसे एक कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा, डू नॉट फॉरगेट मीटिंग योरसेल्फ एवरी डे अदरवाइज यू विल मिस मीटिंग ए वंडरफुल पर्सन, स्वामी विवेकानंद। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहीं नहीं कहा। और एक और है, वो और थोड़ा मजेदार है, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग जस्ट बिकॉज इट इज टोल्ड इन द इंटरनेट अब्राहम लिंकन। तो यहां तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एक पुस्तक प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई 2015 में कि किस प्रकार डिजिटल एज में, उस पुस्तक का शीर्षक है मिस इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल एज, किस प्रकार बहुत कुछ कहते हैं कि 98% जो तथ्य हमको मिलते हैं उसमें 98% गलत हैं। इसलिए पहले तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानना है, बहुत ही कम मूल्य में पुस्तक, जैसे आप सबको ही ज्ञात होगा, उपलब्ध है, खरीदिए, अमेजोन में भी उपलब्ध है, जो रामकृष्ण मठ मिशन से प्रकाशित है। क्योंकि आजकल उसका भी संकलन बना के कोई हार्पर कॉलिंस निकाल रहा है, पेंगुइन निकाल रहा है, जो 30 रुपये की पुस्तक है उसको 300 रुपये में बेच रहे हैं और लोग वही खरीद रहे हैं। पहले तो तथ्य सही होने चाहिए। तो स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा, समाज के बारे में कहा, शिक्षा के बारे में कहा, महिलाओं के बारे में, हमारे देश में नारी की जो अवस्था है उसके बारे में कहा। तो स्वामी जी ने, अगर हम इन सब का निचोड़ निकालें तो क्या कहा? भगिनी निवेदिता से यही प्रश्न पूछा गया था कि आपके जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा, वो तो सब कुछ ही कह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माई मास्टर, भगिनी निवेदिता स्वामी जी को या तो माई मास्टर पुकारती थी या किंग पुकारती थी, दो खंड में उनके पत्र उपलब्ध हैं। कहती है, माई मास्टर नेवर टॉक्ड ऑफ एनीथिंग बट द आत्मन, कि मेरे गुरु ने आत्मा के अलावा और किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता कहती हैं और इस पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि हर कोई स्वामी विवेकानंद को कोई गलत कोई सही तरीके से, मैं तो कहूँगा, इस्तेमाल ही कर रहे हैं। पर वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उसको आस्तिक मानता हूं जो भले ही 33 करोड़ देव देवियों को ना मानता हो पर अपने आप पर जिसको विश्वास हो मैं उसको आस्तिक मानता हूं। यह स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 33 करोड़ देव देवियों पर विश्वास करता है पर अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। तो यहां धर्म में, भलाई में, आध्यात्मिकता में विश्वास लाने का जो कार्य युगावतार श्री रामकृष्ण देव ने किया उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले तो तुम अपने आप पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने माता पिता पर विश्वास करो, जिस धरोहर में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ है उस संस्कृति पर विश्वास करो। आज भी हम क्या देखते हैं, अगर आपने, मान लीजिए आप गए कहीं हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया है, मैं अक्सर चंडीगढ़ से जाता हूँ हिमाचल प्रदेश की ओर, उत्तराखंड में रहने का सौभाग्य मिला 6 वर्ष, तो हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो इतना अच्छा दिखने को मिलता है प्रकृति का सौंदर्य। मान लीजिए आपने एक फोटो खींचा, वो आजकल जो खींचते हैं वो सेल्फी नहीं कि पीछे सौंदर्य उसके सामने बदसूरत है, ऐसा नहीं,
सौंदर्य आपने उसको फोटो खींचा और आपने फेसबुक में डाला या व्हाट्सएप में डाला, पूछते अच्छा कौन से फॉरेन कंट्री में हो आप, क्योंकि हमें तो विश्वास ही नहीं कि हमारे घर में हमारे आंगन में ऐसा संपद हो सकता है। ये स्वामी विवेकानंद के अनुरूप चिंता नहीं है। ये जो स्वामी जी ने ये पहले कहा कि पहले तुम अपने आप पर विश्वास करो, और उस दृष्टिकोण से अगर आप स्वामी विवेकानंद की बातों को देखेंगे, यहां पे कला के इतिहास के अध्यापक बैठे हुए हैं, स्वामी जी भगिनी निवेदिता से कहते हैं, और भी कई प्रसंगों में स्वामी जी ने कहा है कि अगर हम अंधों की तरह पाश्चात्य कला का अनुकरण करेंगे तो उसमें अर्थ क्या है। जैसे पाश्चात्य कला में एक कला है जो जैसा है उसी को उसी प्रकार बनाना, रियलिज्म कहते हैं उसको, तो स्वामी जी कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तो कोई कल्पना ही नहीं है। तंजावुर जाओ और वहां की चित्रकला को देखो, वहां पे मुंह बड़ा कर देते हैं, शरीर छोटा कर देते हैं, तो उसमें कल्पना है, ऐसा स्वामी जी बताते थे। और स्वामी जी की प्रेरणा से भगिनी निवेदिता ने यह बात सुना। स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता को पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध उस परिवार ठाकुर परिवार, जहां से रविन्द्रनाथ ठाकुर आए और भी बहुत आए, वहां भेजा। तब के जो नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट जो कलकत्ते में है, वहां तब एक ईबी हेवल हुआ करते थे, उनसे स्वामी विवेकानंद के विचारों को उनके समक्ष रखा। और अवनींद्रनाथ ठाकुर को विशेष रूप से बताया कि तुम भारतीय संस्कृति के आधार पर चित्रकला करो। और तब जो पत्रिका निकलती थी मॉडर्न इंडिया, उसमें भगिनी निवेदिता के विचारों पर आधारित और अपने आप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कई चित्र बनाए हैं, यहाँ तक कि राग रागनियों के भी चित्र बनाए हैं। और कहीं नहीं मैंने ऐसा देखा कि हर एक राग और रागनी का एक चित्र, उसका एक रूपांतर बनाया है। तो ये स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी जब जा रहे थे, ये सब हमको पता है, पर हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि पहले तो तुम स्वावलंबी हो, तुम दूसरों के सामने भीख क्यों मांग रहे हो। स्वामी जी जब विदेश जा रहे थे तो हमें पता है वो बड़ा उनका बेंट जो हुआ था जमशेद जी टाटा के साथ, तो वो जा रहे थे विदेश किस प्रकार इस्पात बनाया जाए इसका तकनीक वहां से लाने के लिए। स्वामी जी ने बोला आप कब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे, यहां पे क्यों नहीं आप अनुसंधान शुरू करते हैं। और वैसे बहुत कठिनाइयों के साथ स्वामी जी ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम एक शुरू करेंगे टाटा साइंस इंस्टीट्यूट, पर वो हुआ नहीं शुरू, उसमें बहुत अड़चनें आई। फिर भगिनी निवेदिता ने उसके पीछे बहुत भागा दौड़ी की और अंत में वो शुरू हुआ टाटा साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से, आज जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जानते हैं बेंगलुरु में। इस प्रकार हर चीज के बारे में स्वामी जी ने कहा कि तुम अपने आप पर निर्भर हो। स्वामी जी कहते देखो कैसे मशीन गन बनाए, जिसने मशीन गन बनाया उससे स्वामी जी की भेंट होती है 1900 में पेरिस में, और मैक्सिम, और वो मैक्सिम से कहते हैं कि तुमने कैसे बनाया। तो हमारी जो धारणाएं भ्रांत धारणाएं कि एक सन्यासी गिरवा वस्त्रधारी एक सन्यासी केवल शांति की बात करेगा, मशीन गन वाले से तो उसका क्या ही संपर्क है। तो स्वामी जी उनसे बात करते कि वाह आपने तो बहुत बड़ी ही चीज बनाई। और स्वामी जी कहते हैं कि देखो जापान के पहले रामफल शर्मा जी ने उसका उल्लेख किया था कि कैसे स्वामी जी कहते हैं कि हर युवक को चाहिए कि जापान, यहाँ पे युवकों की संख्या बहुत कम है, अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हम किसी सभा में जाते हैं तो अधिकांश सभाओं में तो मैं सबसे छोटा होता हूँ उम्र में, तो युवकों को कहा कि आप सब यहाँ जितने भी युवक हैं आप अवश्य जापान जाइए। अभी हाल की बात है, कुछ साल पहले सुनामी हुई थी वहाँ पे, बहुत बड़ा भूकंप सा हुआ था और चित्र आए भी थे सोशल मीडिया में कि सड़क दो हो गए हैं और 7 दिनों में उन्होंने उसको एक कर दिया। विश्व में केवल एक बार ही हुआ है हिरोशिमा नागासाकी, अनुबम गिरे
पर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो स्वामी जी कहते हैं ये जो उनमें जो आत्मविश्वास है उसको हमें अपने में लाना चाहिए। 1898 की बात है, बेलूर मठ में स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनका प्रिय शिष्य आता है शरतचंद्र चक्रवर्ती, और वो कुछ काम के बारे में बताते हैं कि काम नहीं मिल रहा है, कि काम नहीं है, कुछ ऐसा बोलते। तो स्वामी जी वहाँ क्रुद्ध होकर कहते हैं कि तुम कैसे हो, निर्लज हो, कि हमेशा किसी के सामने जाकर भीख मांगते हो कि मुझे काम दो, काम दो, काम दो। स्वामी जी कहते हैं क्यों, हमारे पास प्राकृतिक संपदा नहीं है क्या, हमारे पास इतने मसाले हैं, तुम उसको लो, अमेरिका में जाओ और उसको बेचो, मैं अपने दोस्तों से कहूँगा। तब ये एंटरप्रेन्योर वाली वाला शब्द नहीं था, ना नेटवर्किंग था, ना मार्केटिंग था, 1898 की बात कर रहा हूँ मैं। स्वामी जी कहते हैं हर बार मुझे काम दो, काम दो, ऐसा क्यों कहते हो कि हमारे देश में जहाँ इतनी अधिक मात्रा में वन संपदा है, यहाँ जब इतने खेत हैं, यहाँ फिर तुम क्यों किसी के सामने भीख मांगते हो। और स्वामी जी कहते हैं कि तुम साड़ी ले लो वाराणसी से और साड़ी बेचो अमेरिका में जाकर। उसके बाद बहुत लोगों ने ऐसा किया, पता नहीं वो स्वामी जी को पढ़कर उन्होंने ऐसा किया था कि नहीं, बहुत लोगों ने किया है। न्यूयॉर्क में एक जगह है 5th Avenue, वहाँ पे एक आदमी है, अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो आदमी एक ठेला लगाता है, तमिलनाडु से गया है, कई साल से वहीं है न्यूयॉर्क में, और डोसा बेचता है, 99 प्रकार के डोसा बेचता है। तो स्वामी जी ने ये बात की कि तुम आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर शब्द अभी थोड़ा राजनीतिकरण हो गया उसका, मैं उस अर्थ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद के अर्थ से बोल रहा हूँ। तो स्वामी जी ने ये बात कही, बार बार इस बात को दोहराया, पर आज हम क्या देखते हैं, अगर आप श्रीनगर जाइए, गुजरात जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए, या नीचे कन्याकुमारी जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप देखते हैं कि जो ऐसे युवक जो कुछ यहाँ आए हुए हैं, वो उनके यौवन के बाद भी मध्य वयस्क तक क्या लिख रहे हैं, पब्लिक सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए भारत में तो सरकारी नौकरी चाहिए, यही कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि आध्यात्मिक स्तर पर हमने कहां तक स्वामी जी के बात को माना, कि हम ऐसे मूर्तियों के पीछे चले गए। स्वामी जी कहते हैं इट्स गुड टू बी बॉर्न इन ए चर्च बट बैड टू डाई देयर। प्राथमिक स्तर पर ये सब आवश्यक हो सकते हैं, पर वही अंत नहीं हो सकता, आध्यात्मिकता का अंत कभी नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं कि पुराणों को छोड़ो, ठीक है पुराण है, गो बैक टू द उपनिषद्स। उपनिषद में जो ऊर्जादायी शक्तिदायी विचार हैं उनको पकड़ो। कहाँ किया हमने, हम जहाँ हैरी पॉटर की बात बताते हैं, एक डोरेमोन है, जो जानते हैं जानते, जो नहीं जानते जो जानते उनसे पूछ लीजिए, डोरेमोन की बातें बताते हैं बच्चों को, पर पंचतंत्र हितोपदेश उपनिषद कठोपनिषद की बात कहाँ बताते हैं। और पता नहीं क्यों हम आज भी झिझकते हैं ये बात बताने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये बात बहुत गलत है, कहीं तो भी हम बहुत शर्मिंदा होते हैं हमारे संस्कृति की बात बताने के लिए, हमारे धरोहर की बात बताने के लिए। स्वामी जी जब विदेश में थे, जब धर्म महासभा शुरू नहीं हुई थी, तो उसके जो व्यवस्थापक थे, आयोजक थे, उन्होंने ऐसा आयोजन किया था कि कई सारे वहाँ जो रहने वाले शिकागो नगरवासी प्रतिष्ठित जो थे, वो कुछ प्रतिनिधियों को अपने घर में मेहमान के रूप में रखेंगे। स्वामी जी को, स्वामी जी तो बहुत पहले चले गए थे, कुछ दिन शिकागो में थे, फिर वहाँ से वो निकल के बॉस्टन गए, ये सब तो आप सबको पता है। फिर जब वो वहाँ आए तो एक मिस्टर जॉन बी लायन, उनके घर में वो मेहमान थे, और वहाँ जो उनकी जो पत्नी थी वो वयस्का थी, तो स्वामी जी से एक पुत्र के रूप का उनका संपर्क था। तो एक दिन स्वामी जी कहते हैं कि आई हैव फाउंड माई लव, तो उनको भी शरारत सूझी, बोला अच्छा कौन है वो औरत, हु इज़ दैट लेडी। तो स्वामी जी कहते हैं इट्स नॉट ए लेडी, इट इज़ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन।
कि आप में अमेरिका में जो संगठन की शक्ति है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी ने इसके बारे में कई पत्रों में और कई अपने वक्तव्यों में बात कही है कि कुछ भी अच्छा करना हो तो बिना संगठन के ये नहीं होगा, विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। स्वामी जी कहते हैं कि हाँ संगठन में अपनी बुराई है, आई नो ऑर्गेनाइजेशन इज एन ईविल, पर इसके बिना कुछ नहीं होगा। और भारत के बारे में, भारतीयों के स्वभाव के बारे में कहते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अगर चार भारतीयों को एक जगह डालो तो वो चारों झगड़ा करके चार चार दिशाओं में चले जाते हैं, पर अगर आप चार अमरीकों को एक जगह पर डालो तो ये अमरीकी एक कॉरपोरेशन शुरू करते हैं, कंपनी। हर जगह ऐसा ही हो रहा है, आपको पता है। और इसीलिए ताकि भारतवर्ष को एक दृष्टांत मिले कि किस प्रकार भलाई पर टिककर नैतिक मूल्यों का पूरी तरह से पालन करके कार्य किया जा सकता है, ऐसा दृष्टांत मिले समाज को, इसलिए स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इसलिए इसका ध्येय जो है, इसका मोटो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, वेद से लिया गया यह मंत्र कि अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह पहला संगठित सन्यासी संघ है, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। सन्यासी तो थे, सन्यास आश्रम तो था, पर वो अलग अलग थे। संघबद्ध कोई सन्यासी आश्रम रामकृष्ण मठ मिशन के पहले हुआ ही नहीं। इसलिए स्वामी जी ने बौद्ध धर्म में जो संघ है और ईसाई धर्म में जो संघ है, इसकी भलीभांति इसका अध्ययन किया और उसके बाद उसमें जो कमियां थीं उसको यहां निकालने का प्रयास किया, और इस प्रकार ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बना है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो पूछते हैं, अच्छा रामकृष्ण मिशन, पहले तो हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं जय हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि हम तो प्रसिद्ध नहीं हैं, इस्कॉन तो प्रसिद्ध है, तो हर जगह यही बोलते हैं। फिर आजकल एक और चीज़ होगा, कहीं भी जाने से बोलते हैं योगी आ गए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए उसके पहले ही स्वामी विवेकानंद ने बार बार बताया नो न्यूज़पेपर हम्बग, कि आप पब्लिसिटी की ओर ध्यान नहीं देंगे। आज भी ऐसा ही है, हम पब्लिसिटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, कभी कभी बताना पड़ता है कि ऐसा काम वगैरह हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, पर पब्लिसिटी की ओर हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा साइलेंट वर्क, ये काम। और आज भी मुझे नहीं मालूम और कोई संस्था है क्या कि जब किसी कार्य के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन को या उसके किसी शाखा को जब कोई अनुदान की राशि सरकार कहीं देती है, बहुत लोगों को लगता है कि रामकृष्ण मठ को सब सरकार देते, ऐसा नहीं है, बहुत कम कहीं देती है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि काम करने के बाद उसमें जो बची हुई राशि है वो हम सरकार को लौटा देते हैं। मुझे नहीं मालूम और कितनी संस्थाएं करती होंगी, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। दूसरी बात ये भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, महाराज ने कहा कि थोड़ा सा रामकृष्ण मिशन के 125वीं वर्षगांठ के बारे में बताओ। हमारे पास जो दान आते हैं ये दान से ही चलता है, आप में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे, दान से ही चलता है, पर उसमें 3-4% के बीच में जो दान आता है वो विदेश से आता है, वो भी विदेश में जो रह रहे भारतीयों के माध्यम से आता है। यहाँ जो ध्यान दान हमें मिलता है वो मध्यवर्गीय भारतीयों से मिलता है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं। इस मिडिल क्लास के बारे में एक चीज़ बताऊंगा और उसके साथ मेरा वक्तव्य मैं शेष करूंगा। और आप अगर कहीं देखेंगे चंडीगढ़ जैसे या दिल्ली मुंबई जैसे संपन्न शहर में भी हमारे पार्किंग लॉट में ज़्यादा इम्पोर्टेड गाड़ियाँ नहीं रहती, अर्थात हमारे यहाँ जो आते हैं वो बढ़कर ये एक दो आते होंगे इंपोर्टेड गाड़ी वाले, बाकी सब अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ऐसे। अच्छा मिडिल क्लास के बारे में बात करते हुए मैं बताता हूँ कि
यहाँ शायद गोस्वामी जी को पता होगा, यहाँ आप में से जो इतिहास के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हों उनको पता होगा कि कुछ लोगों ने एक भद्रलोक, बंगाली में एक शब्द है भद्रलोक, वो असल में उसका उन्होंने राजनीतिकरण किया है कुछ लोगों ने, तो वो भद्रलोक पर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि भद्रलोक क्या है, कि किस प्रकार श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य केवल भद्रलोक के लिए था, इत्यादि इत्यादि। तो वो भद्रलोक अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं द जेंट्री, कि जो शिक्षित हैं, संपन्न हैं वो व्यक्ति। इसके बारे में एक घटना ऐसी हुई कि पहली बार जब दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण देव की जयंती मनाई जा रही थी, तब स्वामी जी वहाँ नहीं थे, स्वामी जी बाहर थे। उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद पत्र में स्वामी जी को उसका ब्यौरा देते हैं कि क्या हुआ वहाँ। तो कहते हैं कि आप सबको ज्ञात होगा जैसे तारा देवी, इस प्रकार के कई जो उन दिनों में नाटककार हुआ करते थे, नाटक में अभिनेत्री थे, तो वो भगवान श्री रामकृष्ण देव से मिलने के लिए आते थे। और दुख की बात है कि उस युग में कई ऐसे जो थे वो वैश्या भी थे। तो जब वो हुआ भगवान श्री रामकृष्ण देव का जब जन्मदिन मनाया गया, उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी पत्र में लिखते हैं स्वामी विवेकानंद को कि ये जो भद्रलोक आए, मतलब भद्रलोक की जो संपन्न परिवार से शिक्षित जो मध्यवर्गीय लोग आए, उनको एक आपत्ति थी कि ये जो नाटक करने वाले हैं और जो वरांगना हैं वो इस उत्सव में ना आए, ये एक आपत्ति थी और वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद उत्तर में लिखते हैं कि बंगाली में है, वो कहते हैं भद्रलोक, उस शब्द को विकृत करके लिखते हैं, भद्रलोक नहीं चाहिए मुझे, और भगवान श्री रामकृष्ण देव ऐसे तथाकथित पतित और शोषित व्यक्ति के लिए ही आए हैं। इसलिए स्वामी जी गाना लिखते हैं आचंडाल प्रतिहत रहो, तो ऐसे शोषित और पतित व्यक्ति के लिए आए हैं और इसलिए अगर ये तथाकथित शिक्षित सुसंपन्न व्यक्ति ना भी आए तो चलेगा, पर वो लोग हमेशा यहां पे आएंगे। तो आज जो बात हो रही है ना अस वर्सेस दे, कि हम और वो, ये बात कभी सनातन धर्म में थी ही नहीं। मैं एक और, अगर अनुमति हो, उपनिषद से एक और कथा बताकर शेष करूंगा, समय की पाबंदी है। कथा यह है, आप लोगों को सबको ज्ञात होगा छांदोग्य उपनिषद से, पर उसको किस संदर्भ में आज देखने की आवश्यकता है मैं उस पर जोर डालना चाहता हूं। कथा यह है, एक बालक जाता है गुरु के पास, पूछता है कि मुझे वेद सिखा दो। गुरु पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बालक बोलता है मैं तो नहीं जानता। वो माँ, तो गुरु बोलते हैं माँ से पूछ के आओ। माँ के पास जाता है तो माँ बोलती है कि मैंने तो बहुतों की सेवा की, उसमें से किसी से तुम जन्मे। तो बालक लौट आता है और गुरु को बोलता है ये बात, तो गुरु बोलते हैं कि जो अपने बारे में इतना विभत्स सत्य बता सकता है वो वास्तव में ब्राह्मण है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और बाद में वो ऋषि बनते हैं, उनका नाम क्या है, सत्यकामा जाबाला। ये जाबाला किसका नाम है, उसके माँ का नाम है। तो आजकल जो तथाकथित आधुनिक मानसिकता वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हो गए, क्या हो गए, कि हम केवल अपने पिताजी का नाम नहीं लगाएंगे माताजी का भी नाम लगाएंगे, हजारों वर्ष पुराने इस उपनिषद को जरा पढ़िए, ये तो हमारे पास पहले से ही था, इसमें नई बात क्या है। तो इसलिए आप जिन बातों को दकियानुसी समझकर त्यागना चाहते हो वो आपकी संपद है। और यकीन मानिए, आज आप जब भी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं उसमें अधिकांश तो स्वामी विवेकानंद को कॉपी पेस्ट किया जाता है, क्योंकि तकनीक में हमने और कुछ सीखा कि नहीं सीखा मुझे पता नहीं, कॉपी पेस्ट बहुत ढंग से सीख लिया हमने। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। स्वामी रंगनाथानंद जी जो 13वें अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के, वो कहते थे कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, वो बम जैसा काम करते हैं आपके अंदर जाकर,
उनका विस्फोट होता है, आपका जीवन उसमें कायाकल्प होती है। तो आप सब पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ें, और जब पढ़ें केवल रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ही प्रकाशन पढ़ें कि आप भूल तथ्य ना पढ़ें। और जो कम युवक आए हैं यहाँ पे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप औरों को भी बताएं। सबको लगता है कि जो भी गिरवाधारी है वो बोरिंग है, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद तो बहुत कम बोरिंग थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूजनीय स्वामी अनुपमानंद जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके समक्ष विचारों को साझा करने का अवसर दिया। नमस्कार। महाराज का खूब खूब धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी वाणी में उन्होंने हम के समक्ष बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे हैं, वो असंभव है कि इस दो लाइन में बताना। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल एज, वो बहुत ही अच्छी उन्होंने पॉइंट कहा। हम लोग भी बहुत जगह इधर देखते हैं, अभी व्हाट्सएप में है, किसी भी कोटेशन आ जाता है, नीचे स्वामी विवेकानंद लग देते हैं, हम कंप्लीट उसमें ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता है। तो फिर इसलिए कहा कि तथ्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सही होना, उन्होंने बहुत कहा, बहुत अच्छा कहा। फिर आत्मा के बारे में उन्होंने जो बात रखी वो भी बहुत अच्छी बात रखी, श्रद्धा। स्वामी विवेकानंद कहते श्रद्धा श्रद्धा, जैसे निचिकेता को श्रद्धा उत्पन्न हुई थी कठोपनिषद में, वो उन्होंने बात हमारे सामने रखी। और भारतीय कला पर भी उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो बात रखी हमने, वो भी बहुत अच्छी रखी। और टाटा जमशेद जी की जो घटना उन्होंने कही, वो भारतवर्ष के लिए भी बहुत बड़ी घटना है। दोनों का जो मिलन हुआ था वो घटना भी उन्होंने हमारे सामने रखी। और शरतचंद्र चक्रवर्ती और स्वामी विवेकानंद से जो वार्तालाप होती थी, वो बोले काम दीजिए काम दीजिए, वो स्वामी विवेकानंद के संग में एक किताब है, उसमें पूरी घटना आई है और बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारी चर्चा उनमें है। फिर आध्यात्मिकता का अंत नहीं होना चाहिए, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और अमेरिका में जो संगठन शक्ति है, वो संगठन शक्ति की भी उन्होंने चर्चा की, हमारे सामने रखा। और रामकृष्ण मिशन कभी भी पब्लिसिटी नहीं करती है किसी भी कार्य के, तो उन्होंने वो भी कहा। और सबसे आखिरी में जो उन्होंने कहा कि पतित व्यक्ति आएंगे श्री रामकृष्ण देव, जो पतित है उसके लिए आए हैं और उसका उद्धार करने के लिए आए हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और सत्यकाम जावल का भी उन्होंने आखिरी में उल्लेख किया, मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ सबके। अब मैं महाराज से कहता हूँ कि सेक्रेटरी महाराज के सबसे स्वागत किए गए कुछ गिफ्ट देने के लिए। स्वामी नरसिम्हानंद से अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर बी एन गोस्वामी को सम्मानित करें। आपने बहुत सुंदर और हमारे आज के स्पीकर वक्ता रामफल शर्मा जी को भी सम्मानित करें। अब इस प्रोग्राम का अंत होने से पहले प्रोग्राम का मैं वॉट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगा श्री शुभराम वशिष्ठ जी को कि वो आए और वॉट ऑफ थैंक्स दें। मंच पर आसीन परम श्रद्धे श्रीमद स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, परम श्रद्धे प्रोफेसर पी एन गोस्वामी जी, प्रिय भ्राता श्री रामफल जी, परम श्रद्धे स्वामी अनुपमानंद जी महाराज, सभी संतगण, इस आश्रम की प्रबंध समिति के सम्मान योग अध्यक्ष श्री साबू जी और सभी सम्मानीय सदस्यगण, भगवान श्री रामकृष्ण देव परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, जगत जननी माँ शारदा के प्रिय बालक और बालिकाएं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है
के रामकृष्ण मिशन के 125वें वर्ष गांठ का और इस आश्रम के वार्षिक उत्सव को आज हम मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सब उत्सवों का उद्देश्य, जैसा स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए उद्देश्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही हमारा आश्रम का भी यही उद्देश्य है और हम सब का भी यही उद्देश्य है और हर मानव का भी यही उद्देश्य है। और जो इस उद्देश्य को पाने के लिए प्रयत्न इस जीवन में नहीं कर रहा है, वो ठाकुर कहते थे कि वो अपने जीवन को निरर्थक बिता रहा है। हम सबका यही प्रयास रहे। सभी प्रबुद्ध वक्ताओं ने हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। हम सब इनके लिए बहुत आभारी हैं। महाराज श्री केरला से आए हैं, गोस्वामी जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने, कल स्वामी जी बता रहे थे, सेक्रेटरी स्वामी जी के अपने इस कार्यक्रम को बदल करके हमें अनुग्रहित किया है यहाँ करके। रामफल जी हमारे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, हम उनके भी बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बोलने के लिए पहले अर्जन करना पड़ता है, फिर व्यक्तिगत आदमी दे सकता है, तो इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और इसी क्रम में आश्रम की ओर से मुझे ये आज्ञा है कि मैं आप सब भक्तों को, महानुभावों को आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने इस अनुकूल मौसम के ना होने के बावजूद अपना यहाँ की अपनी उपस्थिति दी है और अपना समय दिया है, इस उत्सव को विभूषित किया है। हम आपके सबके आभारी हैं। और आप सबकी ओर से मैं स्वामी जी, श्री गोस्वामी जी, श्री रामफल जी को भी अपना आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में निकाल करके हमें ये प्रेरणादायक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें ओतप्रोत कराया है। ये मैं अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है और कोई भी थैंक्स गिविंग में कोई बात ऐसी नहीं है जो विशेष हो, लेकिन ये जो यहाँ आया है, जो ये रामकृष्ण मिशन से जुड़ा है, जो ठाकुर से जुड़ा है, उसका दोबारा जीवन उसका नहीं मिलना है उसको। उसका मोक्ष स्वाभाविक है, उसका मोक्ष की इंश्योरेंस है। ये आप मतलब एक आत्मविश्वास के साथ चलें, ये मैं नहीं बोल रहा, ठाकुर बोलते थे, ठाकुर के भक्त बोलते थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज की पुस्तक मैंने पढ़ी है, उसमें वो बार बार कहते थे जिन्होंने मंत्र लिया है उसका दोबारा जीवन नहीं होना है। तो हम सब इस बात के विश्वास के साथ चलें कि हम दोबारा जन्म लेने वाले नहीं हैं, इसको जल्दी से जल्दी जीवन में ही मुक्त होने की कोशिश करने के लिए प्रयास करना होना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठाकुर कृपा हम सब पर बने, यही याचना प्रार्थना उनसे है। और स्वामी जी का आभार कि आपके साथ संदेश सुनने और व्यक्त करने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति घोषित की जाती है, तो अंत में जयकारा के साथ हम इसका पूर्ण विराम देते हैं। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री महामाई की जय। जय श्री भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव